जीवन में ऐसा लगने लगे कि हाँ बहुत कष्ट है, कर्जा भी बढ़ गया, तकलीफें भी बढ़ गई, बहुत दुख भी बढ़ रहा है, कहीं परिवार सही नहीं चल रहा है, तो प्रयास करते रहा करो। हफ्ते में एक बार एक चावल का दाना जल के पात्र में डाल लिया, एक काली मिर्च जल के पात्र में डाल ली और उस जल को ले गए, थोड़ा सा चंदन का छींटा डाल दिया, ले जाकर शिव जी को समर्पित कर दिया। शंकर को जल चढ़ाने के लिए 5 स्थान हैं जहां शिव को जल चढ़ाया जाता है और शंकर उस जल को स्वीकार करते हैं, जिसको पंचगंगा कहा गया। आप शंकर जी के मंदिर में जाकर ये कभी ना विचार करना कि पार्वती जी को ढूंढना पड़ेगा या गणेश जी को ढूंढना पड़ेगा या कार्तिकेय जी को ढूंढना पड़ेगा या भैरव को ढूंढना पड़ेगा। हमें शंकर के मंदिर में जाकर किसी देवता को ढूंढने की जरूरत नहीं है। जहां शंकर भगवान का शिवलिंग रखा हुआ है वो माता जी का हस्त कमल है, माता पार्वती जी का स्थान है। जहां शिवलिंग रखा है वो शंकर भगवान है। जहां जलाधारी है उस जलाधारी के पास में जहां पानी बहता है बीच में अशोक सुंदरी का स्थान है। जहां से पानी बह रहा है उसका राइट भाग वहां गणेश जी का स्थान है, लेफ्ट भाग कार्तिकेय जी का स्थान है। शंकर भगवान के ऊपर जो जल गिर रहा है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, ये शंकर जी की 5 बेटियां ऊपर है। जहां से पानी बहकर उस निकासी से जहां नाली बनी रहती है, पानी जहां से निकलकर बाहर मंदिर के जा रहा है वो 33 कोटि देवताओं का स्थान है। इसलिए सारे मंदिरों की परिक्रमा हो सकती है पर शंकर जी के मंदिर की परिक्रमा नहीं करते, क्योंकि वो जल जो जा रहा है वो 33 कोटि देवताओं का स्थान है, उसको हम लांग नहीं सकते। सबसे पहले शिव जी का जो जलाधारी है उसमें राइट भाग पर अपनी मनोकामना कर जल चढ़ाएं, फिर लेफ्ट भाग में चढ़ाएं,